हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीता। आज से हमारा जो जो भी जर्नी चल रहा है, अपना ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी चल रहा है, वो एक अलग मोड़ लेने वाला है। तो वही इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आज का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। जैसे अब तक हम 5 मिनट में कुछ बहुत सारी चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से हमारा ब्रेन प्रोग्राम होता है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, कैसे बिलीव्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। उसके लिए मैंने बहुत सारे टूल्स और ब्रह्मास्त्र भी आपको दिए हैं। तो ये जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, अब तक ये एक स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे चल रहा है। इवन हमने फिजिकल लेवल पे भी एक्सरसाइज वगैरह के बारे में भी हमने बात की, हमने हैबिट्स के बारे में बात की, किस तरह से हमने नए हैबिट्स बनाने हैं, ये सारी बात की। अब हमारी जो आने वाली जर्नी है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक होने वाली है, स्पेसिफिक टुवर्ड एजुकेशन, एड्यूप्रिनर, उनके लिए। ऑफ कोर्स आई एम एक्सपर्टाइज इन दैट, बिकॉज मैं टीचर्स को एम्पावरमेंट करने के लिए मेरा पूरा मिशन, विजन, मेरा लाइफ पर्पस है। तो अभी थोड़ा सा हम उस माइक्रोनिश में चले जाएंगे जहाँ पे हम बात करेंगे कि हम एक बहुत अच्छे वक्ता कैसे बन सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली टीचिंग, इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग। तो हर कोई, मतलब ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टीचिंग फील्ड से हो, या टीचर हो, या लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, तो उसके लिए ये जर्नी काम में आएगी। हर किसी के लिए, जो बिजनेस में है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करना चाहता है, वो हर पर्सन के लिए ये जर्नी काम में आएगी। क्योंकि हम आगे आने वाले जितने भी हमारे सेशंस रहेंगे, अपने वीडियो सीरीज रहेंगे, उसमें कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ों को, ये सारे टॉपिक्स को टच करने वाले हैं। पब्लिक स्पीकिंग है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सारे ऐसे स्किल्स हैं जो एक्चुअली हमें सक्सेस देने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। बट कोई स्कूल हमें ये नहीं सिखाता कि सक्सेसफुल कैसे बने, कोई स्कूल हमें ये नहीं सिखाता कि किस तरह से हम मोर कॉन्फिडेंट बने, कोई स्कूल हमें ये नहीं सिखाता कि कैसे सोचे, कैसे हम अपने आप को डेवलप करें ताकि हम फिक्स माइंडसेट से एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ मूव ऑन करें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो स्कूल में, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, और दैट्स हाउ समवेयर वी आर लैकिंग। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ ही जाता है कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, या फिर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, कहीं कुछ इमोशनल इश्यूज़ है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें रोकती है? ये फिक्स माइंडसेट में हम क्यों चले जाते हैं, क्यों हम बड़ा नहीं सोच पाते, या फिर बड़ा नहीं कर पाते, या फिर जितना हमारा पोटेंशियल है, एटलीस्ट हमारे पोटेंशियल को हम रीच नहीं कर पाते। आपको पता होगा कि बहुत ही कम, मतलब 1 to 2% लोग ही एक्चुअली अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाते हैं। तो वॉट एक्चुअली दे हैव डन, क्यों वो वहाँ तक पहुँच पाए और क्यों हम नहीं पहुँच पा रहे? तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हमें लैक होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि पूरी ज़िंदगी भर हम स्किल्स ही सीखते रहे, ऐसी भी बात नहीं है, बट एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, या फिर मुझे एक्चुअली क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जर्नी। तो वैसे ही हमारा जो, चाहे वो बिजनेस का जर्नी है, चाहे हमारा लाइफ का जर्नी है, चाहे पर्टिकुलर रिलेशनशिप का जर्नी है ना, बिंग अ मदर, बिंग अ वाइफ, बिंग अ, यू मे से डॉटर, सिस्टर, एनी एनी रोल यू आर, बट उस रोल को निभाने के लिए भी कुछ चीज़ें लगती है जो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आने वाली सीरीज़ में। और हाँ, आज 5:30 बजे हमारा एक सेशन है जहाँ पे हम मिलने वाले हैं लेडीज से, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो एवरी वेनसडे 5:30 को जूम मीटिंग पे हमारा वो सेशन होता है जहाँ पे हम जो फीमेल है, जिनको कुछ इनकम सोर्स स्टार्ट करना है, कुछ तो करना है, कुछ अच्छा अपना करियर बिल्ड करना है ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो उनके लिए कंसल्टेशन का अपना फ्री सेशन होता है एवरी वेनसडे 5:30। तो इसको ब्लॉक किया जाए इस टाइम को, एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो भी लिंक में दिए हुए डिटेल्स है उसमें आप पूछ सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।